कल राजेश सातपुते, रुचित जैन और चंदन तापड़िया से होगी बातचीत। आज सवा दो पर ही हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जजमेंट में क्या कहा है हिंडनबर्ग अदानी मामले में। राहत तो मिली है, लेकिन एग्जैक्ट वर्डिंग क्या है, उसे कैसे पढ़ना चाहिए, ये सीएम आपको बताएंगे। 220 पर कंस्ट्रिंग Q3 के अपडेट्स आ गए हैं, तो CSB बैंक, कैथलिक सीरियन बैंक के MD प्रलय मंडल हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे पूछेंगे कि एग्जैक्टली क्या फीलर्स मिल रहे हैं। 2:30 बजे इंडस्ट्रियल्स पर जेफरीज की एक डिटेल रिपोर्ट आई है, कई स्टॉक्स में टारगेट अपग्रेड है। क्या कह रहा है जेफरीज इंडस्ट्रियल्स पर प्री इलेक्शन मूव्स के तहत, उस पर यतिन को जोड़ेंगे। फिर 2:45 के आसपास केतन जोशी को जोड़ेंगे अहमदाबाद से। दरअसल वाइब्रेंट गुजरात समिट में कई सारे MOU साइन होने के आसार बन रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे हाथ लगी हैं, वो आपके सामने होंगी पेश। फिर 2:50 के आसपास निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के CEO राहुल अरोड़ा से बातचीत होगी कि 2024 के साल में इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद ऑफकोर्स डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड्स और क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। बहरहाल 22 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक और 260 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स में साफ देखने को मिल रही है, और इंडसइंड बैंक की अगुवाई में तेजी, साथ ही साथ एक्सिस SBI का भी साथ मिलता हुआ निफ्टी बैंक को। वीरू जी बिल्कुल, नजर रखिएगा बस दो पॉइंट्स पे। एक तो PSU बैंक्स सुबह भी ये पुलबैक की जर्नी, और आई थिंक वो वही शुरू कर रहे थे। नजर रखिएगा 47,840-910, वो 60 पॉइंट कॉल राइटर्स का फर्स्ट जोन है। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। पहले आइए ट्रेड्स कलेक्ट करते हैं। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप इस वक्त, एग्जैक्टली क्या लेंगे? Well, ऐसा है कि पिक कर रहा हूं स्टॉक, वो है टोरेंट फार्मा, जो मैंने परसों भी दिया था, अब मूव ऑन है। 2360 पर ट्रेड कर रहा हूं, टॉप होगा 2350, 10 रुपए ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 2400 के नजर आते हैं आज और कल के लिए। यस, टोरेंट फार्मा। ओके, टोरेंट फार्मा प्रकाश सर का ट्रेड हो गया, ट्रेड करता हुआ 2363 की रेंज में टोरेंट फार्मा। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ट्रेंड पे खरीदारी करनी है। ट्रेंड के अगर पैटर्न देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम तो क्लियरली दिख रहे हैं। स्टॉक दो दिनों में करेक्ट हुआ था 20-day मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके, आज फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ट्रेंड पे खरीदारी करेंगे, 3039 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3220 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, 3220 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 3100 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 106 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 74 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में आप 160 रुपए तक के टारगेट सेट कर सकते हैं। 3100 का कॉल आप लेकर चले, ये है ट्रेंड पर व्यू। ट्रेंड ऑफ कॉर्स फिर से, और खूबसूरती स्टॉक की ये है कि ये बीच बीच में विराम लेता है, एक ब्रेथ लेता है और फिर अगले लैप की तरफ बढ़ता है। तो आज 3.5% की तेजी दिखा रहा है, 3100 पर आ चुका है और 3100 का कॉल ही आपको लेना है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून अर्षदा जी। कैनरा बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो PSU बैंकिंग स्पेस नो डाउट एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और विद इन द PSU बैंकिंग स्पेस देखे तो जो रिसेंट स्विंग है 14 दिसंबर को कैनरा बैंक ने बनाया था 455 का, वो ये स्टॉक ने आज उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स भी कैश मार्केट सेगमेंट में डेली एवरेज के कंपेरेटिव में काफी अच्छे वॉल्यूम्स है। सो यहाँ पे 461 के आसपास कैनरा बैंक में खरीदारी करें, 454 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 472 के अराउंड टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कैनरा बैंक में साफ दिख रही है, और रवीरू मेंशन भी कर रहे थे कि सरकारी बैंकों में देखेंगे और कितना दमखम आता है। कैनरा बैंक आज आउट परफॉर्मर्स में शामिल। राजेश जी, राजेश सातपुते आफ्टरनून, अब बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून हर्षदा जी। देखिए, मेरी नजर है क्रॉम्पटन पे। क्रॉम्पटन अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो मुझे लगता है ये अपने एक बड़े से कंजेशन जोन पे जो अटका था, हम देखते थे 300-310 के आसपास, आई थिंक इस जोन के बाहर निकलने का इसका जो प्रयास है वो शुरू है, और इसका जो टारगेट दिखता है वो कम से कम 340-350 का दिखता है पोजिशनली। अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो पहला टारगेट होगा 335 का, 335 के बाद 350, ये दो टारगेट लेके क्रॉम्पटन में बाय हो सकता है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे हम वो रहेगा 310 का, तो इट्स अ बाय इन क्रॉम्पटन। ओके, क्रॉम्पटन 319.50 पे। जहाँ तक टेक्निकल्स कॉल्स का सवाल था, टेक्निकल्स कॉल्स आपकी स्क्रीन पे हैं। यहाँ पर प्रकाश सर ने पिक किया टोरेंट पर, और 2363 पर राजेश सतपुते जी ने यहाँ पिक किया क्रॉम्पटन कंज्यूमर, और मानस ने पिक किया ट्रेंड 3101 पे, और
रुचित ने कैनरा बैंक को पिक किया, तो काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड कॉल्स थी। अब एक फंडामेंटल व्यू लेते हैं और हमारे साथ गौरांग शाह मौजूद हैं। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। थोड़ा सा प्रेशर और आई थिंक इसमें इस प्रेशर को इनिशिएट और आई थिंक इन्फ्यूज करने के लिए इंडियन मार्केट्स में एक बड़ा कारण है कल नैसडेक का जो कोलैप्स था, आई मीन न्यू ईयर कमेंसमेंट जैसे यूएस में हुआ, और हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर यह था कि क्रूड काफ़ी रिट्रेस हुआ है, बट स्टिल मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पर दिखाया। आप गौरांग कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट को, और इस वक्त अगर आपको कुछ पिक करना हो इस फॉल में, गिरावट में, क्या पिक करेंगे आप? आपको भी नमस्कार वरिंदर और सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो एक औपचारिकता थी जिसे पूरा करना था पिछले 2-3 हफ्ते में, जिस प्रकार से हमारे शेयर बाजार ने सर्वोच्च स्तर देखे हैं और जिस स्तर पर हम पहुंच गए थे, इसका दारोमदार आप नैस्डैक पे भी डाल सकते हैं या फिर फेड की जो घोषणाएं होने वाली हैं उसको भी आप समझ सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं ये समझता हूं कि थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस था, हमें थोड़ा करेक्ट करना था और इस हफ्ते यही हुआ है। सोमवार पहला दिन इस साल का करेक्शन देखा, कल भी थोड़ा बहुत करेक्शन देखा और उसकी झलक आज भी दिखाई दे रही है। और ये 21,600 के जो नीचे आया है बाजार निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा दबाव और देख सकते हैं 50-60 पॉइंट का नीचे के तरफ, जो कि मेरे ख्याल से आज हमने देखा भी है निचला स्तर जो आज हमने बनाया है, तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए और एक मामूली सा करेक्शन है इसके बशर्ते के बाजार में आने वाले समय में लंबी अवधि के लिए तेजी दिख रही है, तो खरीदारी की राय। और विकल्प के रूप में एक स्टॉक जो हमें काफी लंबे समय से अच्छा लग रहा है और काफी लंबे समय बाद ये 470-75 के बाहर निकला हुआ ITC, हमें लग रहा है कि 500 पार करने में ज्यादा मेरे ख्याल से इसको समय नहीं लगेगा और संभवता ये है कि ये 525-550 तक भी जा सकता है।